हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। बाबा प्रॉपर्टी चैनल ते तुहाडा हार्दिक स्वागत है जी। अज फिर एक नवे घर दे नाल तुहाडे रूबरू होए आ। सो ये घर बहुत ही सोहना बनया होया और नवा ही बनया होया वधिया नक्शे दे नाल। सो जिन्हां वीरां ने घर वेचना है जां जमीन वेचनी हुंदी है तां तुसीं सानूं वीडियो बना के सानूं वट्सअप कर सकदे हो। ऐड दा कोई भी पैसा नहीं लगता। सो आ जाओ गल करदे हां इस घर बारे। ये घर कबीर नगर दे विच बनया होया जी। घर नवा ही बनया होया और बहुत ही घर सोहना बनया होया। ये वीर का डीजे का कम है, इस करके डीजे का समान इस घर के विच पिया। घर एकदम नवी शेप का और नवा ही बनया होया। जे वॉशरूम की गल करिए बहुत सोहने कम होया वॉशरूम का भी। कला कला कम चाहे टूटियां का चाहे शीट्स का, शावरस वगैरह बहुत ही वधिया कंपनी का क्वालिटी का जिहड़ा समान इस घर दे विच लग्या होया, तुसीं आप भी देख सकते हो। सो नवें नक्शे दे नाल ये घर बनया होया। घर पूरी तरह कंप्लीट है। जे टाइल्स की गल करिए चाहे डोरस की गल करिए बहुत सोहने दरवाजे भी इस घर नूं लगे हुए आ। सो तुहानूं दिखावांगे इस घर की भी कली कली चीज़। और रंग रोगन का कम भी कंप्लीट है। बस कमी यह है कि इस घर के विच रहिंदा कोई नहीं गा। इस घर के विच वीर ने डीजे का समान जिहड़ा वो रख्या होया। और साफ सफाई करनी हो तुसीं देख सकते हो कि थोड़ा जा खराब होया पिया, लेकिन घर बिल्कुल ही नवा बनया होया बहुत ही सोहने। ये देखो जिहड़े आ डोर वगैरह लगे हुए आ बहुत वधिया डिजाइन दे आ। बहुत वधिया जिहड़ा लक्कड़ का भी इस्तेमाल किया गया। सो घर रंग रोगन भी किया होया बहुत वधिया। और जे डोर की गल करिए, विंडो की गल करिए, जां वॉशरूम की गल करिए, जां टूटियां की गल करिए बहुत ही वधिया क्वालिटी की जिहड़ी है ये कम होया भी है। सो घर रोशनीदार ते हवादार भी है। पिछले पासे चलते हैं और आपां देखते हैं कि जिहड़ा जाल्स वगैरह छड्डिया होया। जे अंदरला वॉशरूम आ और बाहरला वॉशरूम भी देखा ते अंदरला वॉशरूम भी आ। तो बहुत ही वधिया टाइल्स का आपां कहीए कम होया भी आ, टूटियां का जां शीट्स जिहड़ा बहुत वधिया कंपनी दी लगी हुई है। वॉशरूम के नाल अटैच रूम के नाल जिहड़ा वॉशरूम आ अटैच आ। सो आपां इस घर की जे गल करिए दो बेडरूम बने हुए आ, लॉबी आ, रसोई आ ओपन। आपां दूसरे बेडरूम के विच एंटर कर गए हैं। जिवें आपां पहलां गल कीती सी कि डीजे का समान पिया होण करके। और इत्थों तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो कि डोर दे हजे तक जो कॉटन टेप जिहड़ी लगी हुंदी आ उह वी नहीं उतरी, क्योंकि घर बिल्कुल नवां ही बनया होया। और टाइल्स दा सारे घर विच कम होया भी आ। सेफ्टी पक्खों भी गल करिए बहुत वधिया। अपने मेन गेट दे अगे जिहड़ा जाल वगैरह वो लग्या होया। और आज चलते हैं इहदे फस्ट फ्लोर ते। और स्टील दी रेलिंग चढ़ी हुई है। पौड़ियों दे स्टेप भी छोटे छोटे बने हुए आ, चढ़ना भी आसान है उपर। और घर नूं बनाउण लग्या हर एक चीज़ बड़ी ध्यान दे नाल जिहड़ी आ वो बनाई गई आ। और बाहरले पासे एलीवेशन भी घर दा बहुत वधिया। और तुहानूं दिखाउंदे आ आसे पासे दे दा दृश्य भी, आसे पासे दा एरिया, आसे पासे दे लोक जिहड़े आ बहुत वधिया। आंढ गुआंढ भी इस घर दा। बाकी गुरबाणी कहिंदी है कि आपस वारे मैं मिले ते मैं मिलिया सुख होए फरीदा, जे तू मेरा होई रहें तां सब जग तेरा होए। सो जदों अपने आप नूं सवार लिया तां फिर तां आंढ गुआंढ तां बई जी वैसे भी बहुत वधिया बन जाता। आसे पासे दा एरिया भी बहुत वधिया बन जाता। सो आपां पहुँच चुके हाँ फस्ट फ्लोर ते। सो यह आ ड्राइंग रूम। सो ड्राइंग रूम भी बहुत वधिया खुला डुला बनया होया। जे आपां गल करिए पी ओ पी दी तां उह वी होई आ, रंग रोगन का कम भी होया। टाइल्स का तुसीं आप देख सकते हो बहुत वधिया कम होया। घर वैसे नवां बनया होया। सिर्फ एक ये वीर इस घर विच रहिंदा नहीं और डीजे का समान पिया होण करके थोड़ा जिहा खलारे जे करके आपां नूं लगदा ये फस्ट फ्लोर ते। फस्ट आपां बेडरूम देख रहे हैं। सो मैनूं दसण दी लोड़ नहीं गी, तुसीं खुद देख सकते हो बहुत ही सोहना जिहड़ा घर बनया होया। जे डोर की गल करिए तां उह वी बहुत सोहणे सरमाइके दे नाल तैयार किए गए आ। सो ये आ इहदे नाल जिहड़ा वॉशरूम आ अटैच आ। और देख सकते हो कि टाइल्स का भी बहुत वधिया
ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਇਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸੋਈ ਆ ਇਸ ਘਰ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਡਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੋ ਬੈਡਰੂਮ ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੋ ਬੈਡਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰ ਬੈਡਰੂਮ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਰ ਮਰਲੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਉਹ 35 ਲੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਕੰਧਾਂ ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਟੈਚ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਇਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਇਹ ਘਰ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਚਾਰ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 35 ਲੱਖ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਬੈਡਰੂਮ ਆ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਲੋਬੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਂਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ 35 ਲੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਐਡ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਂਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।